हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम द स्काईलाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है वो सारी चीज़ें हम ना एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, आप क्या करो ना, एक बार ही सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो, प्रॉब्लम को समझो कि अब वो क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि प्रॉब्लम हमारा है क्या। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कुछ बिल्डिंग्स दे रखे हैं आपको। ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांच बिल्डिंग्स यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग नेम से एक एरे भी दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसमें आपका तीन एलिमेंट्स है, एक आपका है लेफ्ट पॉइंट, राइट पॉइंट एंड हाइट। उस बिल्डिंग की लेफ्ट पॉइंट बोल सकते हो कि ये जो लेफ्ट एज है ये किस पॉइंट तक है, ये किस पॉइंट पे है, एक्स पॉइंट इसका लेफ्ट साइड का, लेफ्ट एज का। एंड नाइन जो है ये बोल सकते हो राइट एज का पॉइंट कहाँ पे है। और टेन इसका हाइट है, ये जो हाइट है आपका ये टेन दे रखा है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है लेफ्ट पॉइंट, ये राइट पॉइंट, ये आपका हाइट। यहाँ पे दूसरे बिल्डिंग का क्या दे रखा है, 3, 7, 15, ये लेफ्ट पॉइंट, ये राइट पॉइंट और ये इसका हाइट। ये वाली 15 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 15 है, ये यहाँ पे कितने पे, 3 पे, ये राइट साइड आपका 7 पे है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक भी बिल्डिंग है, ये तीसरी बिल्डिंग है, इसकी डायमेंशन क्या दे रखी है, 5, 12, 12। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट पॉइंट, राइट पॉइंट और उसकी हाइट। ठीक है, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे ना देखो ये बिल्डिंग्स है आपका, आपको क्या करना है, एक डिस्टेंस से, स्काई से बोल सकते हो, एक डिस्टेंस से आपको इस बिल्डिंग को देखना है। ठीक है, और इसका आउटर लाइन आपको ना फाइंड करना है। आउटर लाइन क्या होगा, आपने रीजनिंग की प्रॉब्लम्स इस टाइप की सॉल्व करी होंगी, अब वो कुछ ब्लॉक्स दे रखा होगा और चार पांच ऑप्शन होगा कि बताओ कौन किसका आउटलाइन होगा, इस बिल्डिंग का आउटलाइन कौन सा होगा, इस ब्लॉक का आउटलाइन क्या होगा। तो आउटलाइन क्या देखते थे आप, ये यहाँ पे कुछ ऐसा होता था, ऐसे बिल्डिंग का ऐसे ऐसे करके कुछ दिया रहता है, ये बोलते थे आउटलाइन है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसके आउटलाइन देखने हैं। ठीक है, तो इसका आउटलाइन क्या क्या हो सकता है, दूसरा कलर यूज़ करती हूँ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक कर लेती हूँ। देखो ये आपका आउटलाइन है, ये आउटलाइन है इस बिल्डिंग की, ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन है, फिर आप यहाँ तक आओगे, ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन, ये राइट। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, आउटलाइन पे आपका बहुत सारा पॉइंट्स होगा राइट, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, तो इनफिनाइट पॉइंट्स होगा। हमें कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, की पॉइंट बोल सकते हो, वो हमें फाइंड करके देना है। एक्चुअली जब भी कोई पार्टिकुलर हाइट को हम देखेंगे ना, उस पार्टिकुलर हाइट का सबसे पहला पॉइंट बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो रेड कलर में दे रखा है वो एक्चुअली हमारा आंसर है। तो इस हाइट का पहला पॉइंट ये होगा, ये कॉर्नर जो होगा ना, ये कॉर्नर, ये आपका इसका इस हाइट का पहला पॉइंट होगा। आप अगर ऊपर से देखोगे तो ये आपको दिखेगा ऐसे राइट, तो ये पॉइंट हमें देना है आंसर में। ठीक है, फिर आप देखोगे ये हाइट, ये देखोगे, ये हाइट देखोगे, तो ये पॉइंट हमें, ये पहला पॉइंट देना है। ठीक है, इस यहाँ पे, अब इस केस में क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आप जब देखोगे इस, ये हाइट आपको यहाँ से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी राइट। आप जब ऊपर से देखोगे तो ये दिखेगा ना, यहाँ ऐसे दिखेगा, ये जो होगा हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से स्टार्ट होते दिखेगा, ये नहीं दिखेगा आपको, ये कॉर्नर जो स्टार्टिंग एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है ये बिल्डिंग यहाँ से, वो नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से देना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको देना है। ओके, तो ये पॉइंट आप दे लोगे, और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अगर किसी हॉरिजेंटल लाइन का आप एक पॉइंट ले लेते हो तो कंसेक्यूटिव सेम अगर रहा आपका हॉरिजेंटल लाइन, तो आप वहाँ पे दूसरा पॉइंट आप नहीं दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस केस में आप
ये पॉइंट नहीं आंसर कर सकते, ठीक है। जैसे ये पॉइंट आप आंसर कर रहे हो, दे रहे हो, तो ये पॉइंट आप नहीं ले सकते। कंसेक्यूटिव सेम हाइट का आपको नहीं लेना है। सेम हाइट मीन्स सेम हॉरिजेंटल लाइन, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम नहीं ले सकते, ये लिए ये नहीं ले सकते। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे, ऊपर से देखोगे तो आपको ये हाइट दिखेगी, ये यहाँ तक की ये स्टार्ट होगी, यहाँ की ये स्टार्ट दिखेगी, ये पॉइंट लेना है, ठीक है। फिर ये आपको दिखेगी, ये हाइट दिखेगी, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। ये आपने कर लिया। फिर सेम यहाँ पे ये बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से अगर देखोगे तो ये आपको दिखेगी स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आप ना ये पॉइंट रिटर्न करके दोगे, ठीक है। ये कर दिया, ये आप हाइट रिटर्न कर दोगे। अब इस हाइट की दिखेगी आपको ये पॉइंट, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, रिटर्न करके देना है, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, एक तो हमें क्या करना है, एक तरह से बोला जाए हमें क्या करना है, लेफ्ट पॉइंट हमेशा, देखो इस केस में भी हम लेफ्ट पॉइंट ले रहे हैं, इस केस में भी हम लेफ्ट पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन इस केस में जब आपका कोई हायर हाइट का अगर कोई ओवरलैप कर रहा है, तो ये लेफ्ट पॉइंट तो आप नहीं दे रहे हो, ये पॉइंट दे रहे हो। ये एक्चुअली क्या है, इसका राइट पॉइंट है। यहाँ से अगर हम एक्स ले लेंगे, इसका राइट क्या है, यही एक्स है ना, सेवन, राइट। ये सेवन जो कि इस बिल्डिंग का क्या है, आपका राइट साइड है, इसका सेवन है, राइट। तो ये सेवन ये पॉइंट है, हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे हाइट लेंगे ट्वेल्व, जैसे सेवन ट्वेल्व ले रहे हैं। तो ये इस केस में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ भी नहीं देख रहे, यहाँ देख रहे हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब कोई ओवरलैप कर रहा होगा तो हम उस केस में इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जब हम ऊपर से देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट वाला दिखेगा ना, ये हाइट वाली बिल्डिंग तो आपको दिखेगी नहीं, तो ये दिखेगी। तो इसका जो राइट होगा कहीं ना कहीं वो आपको दिखेगा स्टार्टिंग पॉइंट, हाइट दिखेगी इसकी बराबर, लेकिन जो एक्स होगा आपका, इसका राइट होगा, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। इस केस में भी यही हो रहा है, आपका ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट दिखेगा जो कि क्या है, इसका राइट पॉइंट है ना, लेकिन ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये ना हो के ये हो रहा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ पेयर लेंगे, ओके। मैं आपको बताती हूँ, वेक्टर ऑफ पेयर लेंगे, तो वेक्टर ऑफ पेयर में हम करेंगे क्या, वेक्टर ऑफ पेयर में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लेंगे, आपका जो लेफ्ट होगा लेफ्ट ले लोगे आप, और हाइट जो लोगे ना, ये लोगे आप पहले निगेटिव में ले लो। निगेटिव का मतलब होगा कि आपने लेफ्ट पॉइंट इसके साथ लिया है, ये हाइट आपका, अभी यहाँ पे लेफ्ट है, ये राइट है, ये हाइट है, तो ये समझ जाओगे कि अगर निगेटिव है तो लेफ्ट पॉइंट के साथ आपका निगेटिव हाइट है, ठीक है। हाइट तो आपको पॉजिटिव ही होता है ना, तो ये बस इसके लिए लेफ्ट है या राइट है, इसके लिए हम यहाँ पे निगेटिव लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव आर के केस में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे नाइन टेन ले लेंगे, ले लिया। उसके बाद इस केस में हम क्या करेंगे, थ्री के केस में थ्री माइनस फिफ्टीन लेंगे, ठीक है। फिर इस केस में क्या लेंगे, सेवन फिफ्टीन लेंगे, क्योंकि आर है राइट साइड का है, ये फिफ्टीन लेंगे हाइट, ताकि हमें पता चल सके कि लेफ्ट साइड का है कि राइट साइड का है। ये फाइव, फाइव के केस में हम क्या करेंगे, माइनस ट्वेल्व लेंगे, ठीक है। फिर ट्वेल्व केस में क्या लेंगे, प्लस ट्वेल्व लेंगे, इससे पता चल जाएगा कि हमारा ये राइट साइड का है। फिफ्टीन है, फिफ्टीन केस में हम क्या करेंगे, माइनस टेन लेंगे, और ट्वेंटी के केस में क्या लेंगे, टेन लेंगे, ठीक है। नाइनटीन के केस में क्या करेंगे, माइनस एट लेंगे, और ट्वेंटी फोर के केस में क्या करेंगे, एट लेंगे, ओके। ये हो गया, टोटल टेन होना चाहिए, क्योंकि ये आपका फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव है, ठीक है। तो ये टेन होना चाहिए, क्योंकि आपने लेफ्ट राइट अलग कर लिया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सिर्फ सॉर्ट कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे, क्योंकि आंसर जो आपका यहाँ पे देख रहे हो सॉर्टेड फॉर्म में है, थ्री सेवन थ्री टू थ्री सेवन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर, ये क्या सॉर्टेड फॉर्म में है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इसे सॉर्ट कर देना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे, ओके। सॉर्ट कर लोगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, टू माइनस टेन हो जाएगा, ओके, कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्री लेंगे, थ्री माइनस फिफ्टीन लेंगे, ठीक है, ले लिया। उसके बाद क्या है आपका, फाइव
फाइव माइनस ट्वेल्व ये ले लिया। उसके बाद क्या है आपका, फाइव के बाद क्या होना चाहिए, सेवन होना चाहिए, सेवन फिफ्टीन, ठीक है। उसके बाद सेवन के बाद क्या होना चाहिए, सेवन नाइन, नाइन टेन, उसके बाद नाइन के बाद ट्वेल्व, ट्वेल्व ट्वेल्व, ओके। ट्वेल्व के बाद क्या होगा, फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस टेन, फिफ्टीन के बाद नाइनटीन, नाइनटीन माइनस एट, नाइनटीन के बाद ट्वेंटी होगा, ट्वेंटी टेन, फिर आपका ट्वेंटी फोर एट, ये हो गया। आपने सॉर्ट कर लिया, गिन लो, टेन है क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हाँ टेन ले चुके हैं और सारा सॉर्टेड है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मल्टी सेट लेंगे। मल्टी सेट का यूज़ क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ये एक्चुअली आपको बताएगा अभी तक जो लाइव बिल्डिंग है आपके पास अभी तक सबसे मैक्सिमम हाइट किसकी है। लाइव बिल्डिंग का मतलब क्या क्या है कि देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये बिल्डिंग भी है, इस पॉइंट पे ये बिल्डिंग भी है, ये बिल्डिंग भी है, तो यहाँ पे सबसे हाइट किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है ना, ये है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एक मल्टी सेट लेंगे, वो हमें बताएगा कि अभी तक का मैक्सिमम हाइट क्या है अभी तक का, ठीक है। तो इसमें जो भी हम रखेंगे ना वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा, इसलिए हम मल्टी सेट का यूज़ करेंगे ताकि हम क्या कर सकें। आपको मैं बताऊँगी ये मल्टी सेट ही हमने क्यों यूज़ किया है। आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इसके सिमिलर यूज़ कर सकते हो। मल्टी सेट में क्या होता है कि आप जो भी एलिमेंट्स लेते हो वो सॉर्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें हम इनिशियल में क्या लेंगे, जीरो लेंगे। ये मैं फिर से बता दूंगी ये क्यों यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इनिशियल में आप यहाँ से स्टार्ट करोगे जीरो हाइट से, तो जीरो रखोगे, ठीक है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करो, ओके। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रीवियस लेंगे, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा, जीरो। अभी हम जीरो हाइट पे हैं, करंट अपना क्या है, करंट हाइट कितना है, वो जीरो है, ठीक है। देखो हाइट अपना मैटर कर रहा है, क्यों मैटर कर रहा है, क्योंकि हाइट पे ही हम डिसाइड कर पा रहे हैं ना कि अपने को क्या दिखेगा, ऊपर से क्या दिखेगा, जो सबसे ज़्यादा हाइट का होगा वही दिखेगा ना, राइट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू टेन से। अब हाइट अपना क्या है, टेन है, तो क्या करो ना, टेन को इसमें इंसर्ट कर लो, ये सॉर्टेड में रहेगा तो टेन यहाँ पे होगा, ठीक है, टेन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, करंट में इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका ये ले लिया, टेन ले लिया, ओके ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या प्रीवियस और करंट आपका इक्वल है क्या, नहीं, आप जीरो से टेन पे गए हो, ठीक है, तो ये दोनों आपका इक्वल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को और करंट के वैल्यू को आंसर वेक्टर में स्टोर कर लेंगे कि ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है इस बिल्डिंग का, ये टेन वाली हाइट वाली बिल्डिंग का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये निगेटिव में है इसलिए हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, हमें पता चल गया है कि निगेटिव वाले को आपने यहाँ पे इंसर्ट करा, क्योंकि ये निगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट साइड है और स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस बिल्डिंग का, तो आपने टेन को यहाँ पे इंसर्ट करा। और करंट को अपडेट किसे का, करंट हाइट कितनी है बिल्डिंग की अभी, तो आपने टेन वाला इंसर्ट किया था, तो टेन है अभी करंट, तो करंट यहाँ ले आओगे। अब फिर देखोगे क्या प्रीवियस और करंट इक्वल है क्या, अगर इक्वल होगा तो डैट मीन्स सेम बिल्डिंग है, हम उसको उसका पॉइंट ले चुके होंगे, फिर से नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखेगा कि नहीं, ये प्रीवियस जो है आपका सेम हाइट का नहीं है, हमने हमें क्या दे रखा है, अपना दे रखा है ना स्टेटमेंट में कि आप हॉरिजेंटल अगर आप सेम रहेगा, सेम लाइन होगा, तो फिर से नहीं लोगे। इस वजह से आपको प्रीवियस और करंट लेना पड़ रहा है ताकि आप चेक कर सको कि आपका प्रीवियस सेम हाइट का नहीं था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि अपना प्रीवियस सेम हाइट का नहीं है, जीरो से अपना टेन पे है, हम प्रीवियस जीरो था और हम टेन पे हैं। तो इसलिए वजह से हम क्या करेंगे, ये एक्स को और इस हाइट को पॉजिटिव में हाइट होनी चाहिए, तो आप उसको क्या करो, आंसर में इंसर्ट कर लोगे, तो ये इंसर्ट कर लोगे, ठीक है, ये इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप चूंकि आप नेक्स्ट बिल्डिंग को देखने जा रहे हो, जो भी हो, सेम हाइट का हो या नहीं हो हमें क्या पता, हम क्या करेंगे, उससे पहले अपना प्रीवियस को करंट से क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस को करंट से अपडेट कर देंगे, टेन हो जाएगा, अपना करंट अभी कुछ नहीं है, पहले हम इस देखेंगे अगली बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आओगे तो आपको पता चलेगा इसकी हाइट 15 है और ये निगेटिव में है, तो हमें पता चल जाएगा ये लेफ्ट साइड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब इंसर्ट कर लिया और करंट को अपडेट कर दिया कि देखो अभी अपनी हाइट 15 है, तो फिर ये कंपेयर करेगा क्या प्रीवियस और इसकी हाइट सेम है क्या, नहीं है, सेम नहीं है,
ओके, दैट मीन्स डिफरेंट बिल्डिंग है और ये लेफ्ट साइड का ही होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, थ्री थ्री को इंसर्ट करेंगे और करंट जो है अपनी बिल्डिंग की हाइट वो 3 और 15, इसको इंसर्ट कर लिया तो ये इंसर्ट हो जाएगा, दूसरा आंसर हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप, फिर से प्रीवियस को अपडेट करोगे, अब अगली बिल्डिंग को देखने जाओगे लेकिन उससे पहले प्रीवियस को क्या करोगे, अपडेट करोगे ना, तो प्रीवियस क्या होगा, इस करंट के इक्वल होगा, 15 यहाँ पे कर लिया, अब करंट को रहने दिया, अभी कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। अब हम इस पे आएंगे, 12 पे आएंगे, अब 12 पे जब हम आएंगे तो ये निगेटिव में है, ओके निगेटिव में है, तो 12 इंसर्ट करोगे ना तो ये यहाँ पे होगा, ये सॉर्टेड में रहता है, ठीक है, ये जो डेटा से जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सॉर्टेड में है, तो ये 0 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15 है, तो यहाँ से आप लास्ट एलिमेंट को क्या करोगे, निकालोगे, तो करंट में 15 होगा, ठीक है, करंट में क्या होगा, 15 होगा, तो ये देखिएगा, अरे ये प्रीवियस में 15 हाइट की थी और करंट में 15 हाइट की है, तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, मतलब हाइट जब सेम है तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, तो उस कंडीशन में हम लेंगे क्या, नहीं लेंगे, उस कंडीशन में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये केस आपका कहाँ बन रहा है, ये वाली बन रही है ना, यहाँ पे आप आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नहीं लोगे, तो ओके नहीं लेंगे, ये एक्चुअली ये केस नहीं बन रही है, ये वाली केस बन रही है, यहाँ पे 5 और 12, इसका मतलब है कि 12 बिल्डिंग जो भी होगी, अभी मैक्सिमम हाइट आपको पता है 15 है, यानी ये जो ये सरफेस जो भी होगा, ऊपर का फ्लोर जो भी होगा, ये वाली, ये इसको ये ओवरलैप कर रहा है, ये अभी जो मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग है अभी तक की 15, ये अभी तक लाइव है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका अभी राइट अभी आया नहीं है, हमें नहीं मिला है राइट, राइट मिला होता तो पॉजिटिव हमें यहाँ पे हाइट मिला होता, और जब भी पॉजिटिव हाइट मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो बिल्डिंग अपना लास्ट तक आ चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो उसका जो निगेटिव होगा, निगेटिव हमने जो इंसर्ट कर रखा था ये हाइट यहाँ पे, उसको हम हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे थे 5, 12 पे, तो आपको पता चलेगा 15 अभी एक 15 हाइट की एक बिल्डिंग है जो अभी तक है, उसका राइट साइड अभी तक मिला नहीं है हमें, ठीक है, तो इसका मतलब ये उसको ओवरलैप करेगा, 12 वाली हाइट को दिखेगी नहीं आपको, आपको 15 वाली दिखेगी, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 15 अपना सेम मिलेगा यहाँ पे, और हम क्या करेंगे इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आंसर में अपना इंसर्ट नहीं करेंगे, ओके। अब हम यहाँ पे आएंगे 7 15 पे आएंगे, जब हम 7 15 पे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रीवियस तो आपका 15 ही रहेगा, करंट आपका अभी कुछ नहीं है, इस 15 पे आओगे तो आप देखोगे ना ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम किसी के राइट में आ चुके हैं, किसी बिल्डिंग के राइट में आ चुके हैं, तो ये सेम वैल्यू का जो निगेटिव होगा, ये इसका जो भी होगा 15 वैल्यू होगा पहले से पक्का होगा किस में होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव वाला हाइट वाला तो होगा ही ना इसमें, हाँ होगा, तो इसको क्या करो हटा दो वहाँ से, क्योंकि अब ख़त्म हो चुका है वो, आप इसको यहाँ से हटा दिए, इसको हटा दिए, ये हट गया, अब आप क्या करो करंट लोगे तो आपको पता चलेगा 12 है अभी तक की मैक्सिमम हाइट की, क्या है मैक्सिमम हाइट की 12 है, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करोगे, प्रीवियस और करंट सेम है क्या, अच्छा दोनों तो सेम नहीं है, ओके, तो हम क्या करेंगे ये वैल्यू और करंट वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, तो 7 एंड 12, ये 7 एंड 12 इंसर्ट हो जाएगा, ये हो गया आपका, आपने कर लिया, ठीक है, ये हो चुका है, ओके। अब आप यहाँ पे आओ, अब क्या करो यहाँ पे आप प्रीवियस को आप क्या करो 12 अपडेट कर दो, इसके बाद यहाँ अपडेट करोगे ना, मतलब अगली बिल्डिंग, अब करंट हमें पता नहीं है, हम यहाँ पे आएंगे 10 आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स निगेटिव वाला ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट हो रखा है, तो आप क्या करोगे इसको यहाँ से हटा दोगे, ये हट जाएगा 10 हटा लेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव में होगा तो निगेटिव वाला पक्का होगा ही एक, तो सेम वैल्यू का होगा ही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हटा लेंगे, हटा लिए। फिर हम यहाँ पे आए 12 वाले पार्ट पे, ये भी पॉजिटिव में है, ओके ये भी पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में क्या करेंगे इसको हटा लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कि ये बिल्डिंग का जो अपना है ना अब एंड होने वाला है, बिल्डिंग का जो अपना था प्लेस जो था वो जहाँ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपना बिल्डिंग को छोड़ते चलेंगे ना, तो पॉजिटिव का मतलब है कि आप राइट साइड पे आ चुके हो, बिल्डिंग अब वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, अब बिल्डिंग आप नहीं दिखेगा वो पार्टिकुलर बिल्डिंग की साइड के, तो 12 वाली हम देखेंगे ये भी पॉजिटिव में है, दैट मीन्स निगेटिव लेफ्ट साइड का ऑलरेडी इंसर्टेड होगा इसमें, तो इस हाइट जो भी है यहाँ पे हाइट हटा दो, यहाँ से हटा दिए, ओके हटा दिए, ठीक है हटा दोगे, तो उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे करंट क्या मिलेगा आपको, इसका जो भी एलिमेंट होगा 0 होगा, तो अब यहाँ पे 0 देखोगे, राइट यहाँ देखोगे आप
जीरो रखोगे करंट, क्योंकि ये इस यहाँ से क्या मिलेगा, इसको जीरो मिलेगा, ओके जीरो मिल जाएगा। जीरो मिलने पे क्या होगा, ये आप फिर देखोगे कि ये दोनों कहीं आपका इक्वल तो नहीं है, नहीं इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, करंट जो भी एक्स है इसका, एक्स एक्स और हाइट, हाइट जीरो है, इसको यहाँ इंसर्ट कर लेंगे, ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, 12 एंड जीरो हो गया, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रीवियस को अपडेट कर दोगे जीरो से और आगे बढ़ोगे। जब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ ये माइनस 10 में है, यानी ये लेफ्ट राइट किसी बिल्डिंग के स्टार्ट हो रही है, राइट, तो 10 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, पॉजिटिव में ही करते हैं, नेगेटिव में नहीं करते, पॉजिटिव में करते हैं, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है, इंसर्ट कर लेंगे। तो करंट आप क्या लोगे, बैक से लेते हो, बैक से जो भी एलिमेंट है वो लेते हैं हम, तो यहाँ पे 10 लेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल नहीं है, यानी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस 15 को और ये 10 को क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, ये इंसर्ट हो जाएगा आंसर में, हो गया। उसके बाद आप प्रीवियस को अपडेट कर लोगे कि अब प्रीवियस आपका 10 है, ठीक है, फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे, ये क्या है आपका 8 है, ये क्या है आपका यहाँ पे 8 है, जो कि क्या है आपका निगेटिव है, तो निगेटिव आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे इंसर्ट होगा, राइट, ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे और करंट में क्या होगा, लास्ट वाला क्या है जो एलिमेंट वो लेते हैं हम, यहाँ पे लेंगे, अब देखेंगे दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम है, ओके हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है, ये हम यहाँ पे अब नहीं ले सकते क्योंकि दोनों हाइट की सेम है और इस हाइट की हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये केस में काम नहीं करेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर से प्रीवियस आपका 10 ही होगा, करंट आपने अब अपडेट करोगे, आगे बढ़ोगे तब यहाँ पे आप जाओगे, तो ये क्या है आपका 20 एंड 10 है, जो कि क्या है पॉजिटिव है, यानी ये किसी बिल्डिंग का राइट साइड है, यानी वो बिल्डिंग आपका खत्म होने वाला है, पक्का है कि इसका निगेटिव वाला आपने इंसर्ट करा होगा, आप या अगर उसको हटा दो, हटा दिए, उसके बाद बचेगा क्या, 8 बचेगा, 8 यहाँ पे आप इंसर्ट कर लोगे। अब देखोगे दोनों इक्वल नहीं है, करंट और ये हाइट इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हम इंसर्ट कर सकते हैं आंसर में, तो करंट 20 है और करंट 8 है और एक्स एक्सिस 20 है, तो 20 और 8 हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, कर लिया। फिर आपका 24 जीरो है यहाँ पे, अब देखो आगे मिलता है या नहीं मिलता, ओके तो प्रीवियस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और करंट आपको नहीं पता है, आप यहाँ पे आओगे 24 8 मिलेगा, अच्छा ये तो पॉजिटिव है, यानी ये बिल्डिंग खत्म हो रहा है, तो आप क्या करो 8 खोज के यहाँ से डिलीट कर दो, 8 खोजेंगे यहाँ मिलेगा, डिलीट कर दिए, ठीक है। अब लास्ट से क्या मिलेगा, करंट को, करंट एलिमेंट क्या करता है इस मल्टीसेट से लास्ट एलिमेंट लेता है, ठीक है, तो जीरो यहाँ पे लेगा, क्योंकि अभी तक जीरो हाइट ही है, ये पॉइंट यहाँ पे आ चुकी है एक्चुअली में, तो ये देखेगा दोनों इक्वल है क्या, प्रीवियस ये नहीं इक्वल नहीं है, तो इसका 24x ले लो और इसका करंट यानी जो हाइट है, करंट हाइट वो ले लो, यानी 24 0 मिल गया, ये हो गया, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको आई होप समझ में आया होगा। देखो ये केस कब बन रहा है, ये वाला जो हम हटा रहे हैं, जब आपका ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कोई पॉजिटिव पॉइंट आ रहा होगा, तो अब ये हाइट तो आपका ख़त्म हो गया होगा ना, आप ख़त्म हो गया, ये बिल्डिंग ख़त्म हो गई है, या ये यहाँ पे जब आए होगे आप, तो आपको पता चला होगा कि अरे ये हाइट तो अब राइट साइड में आ गया, अब चूँकि हम राइट पॉजिटिव लिए थे, पॉजिटिव में समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी आपने इस हाइट का सेम लेफ्ट से हाइट इंसर्ट कर रखा था इसमें, तो अब उसको हटा दो वहाँ से, क्योंकि अब ये बिल्डिंग ख़त्म हो रही है, राइट। तो ये केस इसलिए हम यहाँ पे मल्टी सेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम खोज कर हटा सकें। आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ऐसा कर सकते हो जो आपका सॉर्टेड रहे, ठीक है, सॉर्टेड यहाँ पे जो भी आप इंसर्ट करो वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे, और कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से, जब भी आप कोई भी एलिमेंट अगर एक्स रहे कि एक्स आपको हटाना है, तो आप खोज के यहाँ से हटा सकते हो। तो मुझे लगा मल्टी सेट यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। मल्टी सेट में ऐसा नहीं है सेट की तरह कि आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स आपका हो नहीं सकता, यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। चलो अब कोड वाले पार्ट पे आते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, सेम है जो हमने देखा वही है। हम क्या करेंगे, पहले अपना एक तैयार कर लेते हैं क्या पेयर, पेयर में क्या इंट इंट रहेगा टाइप, पेयर में हम क्या लेते हैं, लेफ्ट ले रहे थे और राइट मतलब हाइट नेगेटिव में ले रहे थे, ठीक है, ये मतलब हो गया कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आप क्या कर रहे थे, राइट पॉइंट ले रहे थे और हाइट ले रहे थे, पॉजिटिव में लेना है, इसका मतलब हो गया कि हम अपना लास्ट एज पे किसी बिल्डिंग की पहुँच चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। फिर इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट कर लिया, एक प्रीवियस निशन में जीरो रखा और करंट जीरो रखा, ओके। फिर मल्टी सेट इंट एम ले रखा है, ठीक है, मल्टी सेट है आपका, और यहाँ पे आंसर आप
और स्टोर करोगे ना 2D वेक्टर में, इस वजह से आंसर यहाँ पे ले लिया रिजल्ट नेम से, ठीक है। अब इंसर्ट में एम में इंसर्ट कर लेंगे इनिशियल में 0, ओके। अब हम एक एक एलिमेंट के थ्रू जाएंगे, जो एच हमने यहाँ पे तैयार किया था, पेयर जो तैयार किया था उसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। जब देखेंगे कि आई सेकेंड अपना लेस देन 0 है, डेट मीन समझ जाएंगे कि लेफ्ट पॉइंट पे अभी हम हैं, किसी बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में हम हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमने यहाँ पे निगेटिव में इंसर्ट कर रखा है और मल्टीसेट में हमें पॉजिटिव में करना है, इसलिए माइनस आई डॉट सेकेंड करेंगे, ठीक है। फिर इल्स के कंडीशन में अगर ये निगेटिव नहीं है आपका, डैट मीन्स आप राइट पॉइंट पे पहुंच चुके हो। अब हमें क्या करना है, उसको फाइंड करना है, उस एलिमेंट को वहां से हटा देना है, इसलिए एम डॉट इरेज, एम डॉट फाइंड, आई डॉट सेकेंड, ठीक है। सेकेंड फाइंड कर लिया, फिर इरेज कर लिया, कर लिया। फिर करंट में हम क्या कर रहे थे, जो मल्टीसेट का यहाँ पे आर डॉट बिगिन यूज कर रहे हो ना, आर बिगिन यूज कर, इसका मतलब होता है कि राइट साइड से जो स्टार्ट हो रहा है वो, यानी लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये लास्ट एलिमेंट आपको देगा, ओके। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया था, ये हटा देते हैं, ये लाइन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेंगे कि करंट नॉट इक्वल टू प्रीवियस, अगर आपका करंट प्रीवियस के इक्वल नहीं है तो आप क्या करो, रिजल्ट में पुश कर दो आई डॉट फर्स्ट एंड करंट, वही कर रहे थे हम। फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस को अपडेट कर देंगे करंट से, ठीक है, ये हो गया। अब रिजल्ट लास्ट में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, ओके। कोड को रन कर लेते हैं, रन हो चुका है, सबमिट भी कर लेते हैं कोड को, सबमिट हो गया, थैंक यू।